आगरा में धनौली और अजीजपुर की आबादी आज भी कहीं ना कहीं अपनी बेसिक समस्याओं को लेकर करीब 20 साल से जूझ रही है और आज भी उन्हें न्याय नहीं मिला। आगरा में धनौली और अजीजपुर की आबादी आज भी कहीं ना कहीं अपनी बेसिक समस्याओं को लेकर करीब 20 साल से जूझ रही है और आज भी उन्हें न्याय नहीं मिला। मैं एक बार तस्वीरें आपको ज़रूर दिखा देता हूं। जिस तरह की आप तस्वीरें देखेंगे, ये धनौली और अजीजपुर को जोड़ने वाली करीब 5 गाँव से निकलने वाली ये सड़क है जो आज भी अपने जल भराव में घिरी हुई है और आज भी जैसा कि आप सब जानते हैं डेंगू और मलेरिया जैसी भारी बीमारियां फैल रही हैं, उसके बाद भी इनकी सुध लेने वाला आगरा में कोई ना तो प्रशासन इनकी सुध ले रहा है और ना क्षेत्रीय विधायक। इन्हीं के द्वारा बताया गया कि लगभग 1 साल पहले भी इसी समस्या के लिए धरना दिया गया था, लेकिन तत्कालीन उस समय की जो SDM थी उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन आज भी वो समाधान नहीं हुआ और तंग आकर ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इनकी मांगे मैं आपको सबसे पहले बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, करीब 13 तारीख से यह धरना चल रहा है। पहली समस्या है कि सिलौरी रोड पर स्थायी जल भराव की समस्या से निजात इनको दिलाया जाए। दूसरी, सड़क के दोनों ओर स्थायी पक्के नालों का निर्माण कराया जाए। जगनेर रोड के बाईं ओर स्थित बड़े एवं पक्के नालों का रुका हुआ अधूरा पानी जो है वो निकाला जाए। अजीजपुर और धनौली ग्राम पंचायत की कॉलोनियों में भरे हुए गंदे बदबूदार पानी से स्थायी और लगभग जो है चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो पाएँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जल भराव से इस समय जो जिस तरह से आसपास के जिलों में और आगरा में भी लगातार डेंगू और इस तरह से मौतें हो रही हैं, उसके लिए भी कम से कम कहीं ना कहीं गंभीर समस्या इस समय है। और अब मन बना लिया है इन गांव वालों ने इस धरने को अनिश्चितकालीन चलाने का, इसलिए क्षेत्र के लोगों से अब भीख मांग कर कहीं ना कहीं पैसे इकट्ठे कर इस धरने को लंबा चलाने का मूड यहाँ के लोगों का है। हमारे साथ क्षेत्रवासी हैं, क्या कुछ मूल समस्या है अब उन्हीं लोगों से जान लेते हैं। मैडम क्या नाम है? मेरा नाम है समाज सेविका सावित्री चाहर। क्या कुछ समस्या है? समस्या तो यहाँ इतनी दयनीय है कि आप अपने खुद देख चुके हैं और बहुत लंबे समय से ये समस्या, और 4 साल हो गई, 5वीं साल चल रही है। हम 4 साल से बरकरार ये क्षेत्रवासी लड़ाई लड़ रहे हैं प्रशासन से। हमने कम से कम 15 बार DM साहब को लिखित दे चुके हैं, कमिश्नर साहब को, और जब भी हम जाते हैं तहसील दिवस में जाते हैं या DM साहब के पास जाते हैं या कमिश्नर साहब के पास जाते हैं, जिला प्रशासन हमसे एक ही बात करता है कि मैडम हमारे पास तो आप 25 बार शिकायत करने आ जाती हैं, लेकिन कभी आप जनप्रतिनिधि से आप मिली, कभी उनसे शिकायत की? मैंने कहा उनसे भी शिकायत हम लोगों ने लिखित शिकायत करी है, अपने चाहे विधायक हों या सांसद हों, लेकिन यहाँ सुनने वाला नहीं है कोई भी। एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ और सबका विकास, भारी बहुमत में लाए, पूरे हिंदुस्तान ने साथ दिया उनका, और कोरोना काल में तो यह धनौली अजीजपुर से कोई नहीं गया, लेकिन इस डेंगू के कारण हमारे 10 बच्चे हमसे बीच में से चले गए। तो ये कितनी दुख की बात है, इतना गंदा पानी, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जन कितनी बीमारी चल रही हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जिला प्रशासन तक पहुँचे, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन तक पहुँचे कि हम लीगल काम कर रहे हैं या अनलीगल कर रहे हैं। अब तो यहाँ हम बैठे हैं, सभी क्षेत्रवासियों ने ठान लिया है कि या तो दोनों तरफ नाले बने, अन्यथा हम जेल भरे आंदोलन करेंगे, हम जेल जाने को तैयार। कुछ दिन पहले क्षेत्रीय विधायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अपनी नीतियां गिनाई कि उन्होंने ये काम कराए, 1500 करोड़ रुपए के काम कराए, क्या उस 1500 करोड़ में इस छोटे से नाले को जगह नहीं मिल पाई? संजय पैलेस में उनकी प्रेस वार्ता हुई है, मैंने अच्छे तरीके से देखी है, वो विकास की इतनी गंगा बह रही है, शायद ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये केवल जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं, तो ये तो विधायक आ जी हैं, वो कह रहे 15 लाख रुपए किसानों की आय दुगनी, 2 करोड़ युवन को रोजगार, महिला सुरक्षा की बात करते हो, जबकि 5-5 साल की बच्चियों के आज भी बलात्कार हो रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि एक जिम्मेदार पद पे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, इस भोली भाली जनता को बेवकूफ न बनाएं। और हमारे जो नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री जी को वहां से देख के कर अजीजपुर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन क्षेत्र के विधायक को कितनी बार आप लोगों ने समस्या का समाधान के लिए बोला और उनका क्या अब तक आश्वासन रहा? अभी 15 दिन पहले की बात है, इसी धनौली राम नरेश पंडित जी के मंदिर पे आई
और मंदिर में भगवान राम की कसम खा के गई है वो कि नवरात्रि अगर या तो हो सकता है कनागतन में शुरुआत हो जाएगी, नहीं तो नवरात्रियों में नाले की शुरुआत हो जाएगी। नवरात्रि निकल चुकी, आज दशहरा भी हो गया, विजयदशमी हो गई, तो अब रावण का हम आज के दिन पुतला दहन करते हैं, है ना। तो वो रावण मुझे ऐसा लगता है कि सीता माँ को चुरा के जरूर ले गया लेकिन उंगली तक न लगाई, उस रावण का तो हम आज भी पुतला दहन कर रहे हैं। और ये मंदिरों में आके झूठ बोलते हैं, सौगंध खाते हैं भगवान राम की, तो इनका पुतला दहन हम कल करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, एक भाई यहाँ पर हैं जो सिरौली रोड और धनौली पर चंदा लेकर आए हैं अपने धरने को सक्सेस बनाने के लिए और लंबा ये धरना चल पाए उसके लिए। क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या नाम है? मैं जितेन सिंह चक, ग्राम पंचायत धनौली का मूल निवासी हूँ। आज हम सभी ग्रामवासियों ने, क्षेत्रीय लोगों ने अपने क्षेत्र में जाके हर घर में हर दुकान से हर युवक से जाके चंदा इकट्ठा किया है और आज हमने ठाना है सभी पूरे क्षेत्र ने, सभी क्षेत्रवासियों ने और धरना स्थल पर बैठे हुए सभी व्यक्तियों ने, अगर माननीय सांसद माननीय विधायक अगर किसी प्रकार के हमारे कार्य की जो हमारी मांग है उन पर प्रतिक्रिया नहीं करती है तो हम सभी क्षेत्रीय लोग इस कार्य को अपने उगाए हुए लोगों से मांगी गई भीख से लेके और जो भी हर संभव होगा हम अपने क्षेत्रीय लोगों की मदद से इस कार्य को पूरा कराएंगे और इस तरह से यहाँ जो असुविधा है उस असुविधा के लिए माननीय विधायक और माननीय सांसद जिम्मेदार हैं। आज से समथिंग एक साल पहले 13 तारीख को यहाँ धरने पर इसी स्थल पर हमारे सभी क्षेत्रीय लोग बैठे हुए थे और विधायक और सांसद के दबाव में आकर प्रशासन ने यहाँ तानाशाही रूप से क्षेत्रीय लोगों को डरा धमका कर मुकदमा के डरा धमका कर ये धरने को असफल बनाया और उसके लिए प्रयासरत हम लगातार 4 साल से क्षेत्रीय जनता यहाँ समथिंग 5 विद्यालयों के आने जाने में बच्चों को देखिए, आप देख ही रहे हो किस तरह से धनौली और अजीतपुर ग्राम पंचायत दोनों एक दूसरे से लगी हुई हैं। यहाँ समथिंग 4 लाख दोनों ग्राम पंचायतों की आबादी 4 लाख है और 4 लाख की समथिंग धनौली के मतदाताओं की संख्या 40,000 है और इस लगी हुई ग्राम पंचायत जो अजीतपुर है वहाँ भी 15,000 मतदाताओं की संख्या है। मैं बताना चाहूँगा 40 और 55,000 की यहाँ मतदाताओं की संख्या दोनों ग्राम पंचायत। हम इस बार चाहे तो धनौली और अजीतपुर अपना एक स्वयं से ना ही किसी अन्य ग्राम पंचायत आश्रित होकर अपना एक विधायक बना सकते हैं और हमने हमको बार बार हर सरकार में ठगा गया है, आश्वासन दिए गए हैं, वादे किए गए हैं, किसी प्रकार के हमारे धनौली और अजीतपुर ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार की ना तो कोई कार्य योजना हुई है ना ही किसी माननीय विधायक के द्वारा एक ईंट का यहाँ। तो क्या माना जाए कि ये जो चंदा आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं ये धरने को बरकरार रखने के लिए या फिर उसके साथ साथ ये जो जगह है कहीं ना कहीं वो नाले को बनवाने का काम भी इसी चंदे के पैसों से भी कर ये जो हम चंदा हमारे क्षेत्रीय वासियों ने अपनी मर्जी से और स्वयं धरने को मजबूत करने के लिए और इसे स्थगित करने के लिए अर्जित किया और धरना जो है वो निरंतर इसी रूप से चलता रहेगा और क्षेत्रीय जनता का पूरा सपोर्ट है। हम क्षेत्रीय जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और हम अपनी तरफ से हमारे लिए हर समय मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद क्षेत्रीय धनौली और अजीतपुर की ग्राम पंचायत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, बात कर रहे थे, क्या कुछ? मेरा नाम जी प्रेम सिंह है, मैं समाज सेवी हूँ। क्या धरने पर बैठे हैं और समस्याओं का समाधान अभी दूर तक कोई आश्वासन आपको नहीं मिल पाया है, क्या कुछ करना है? कहना इसमें यही चाहते हैं, हमारी जो बहन है उन्होंने भी कहा है, भाई ने भी कहा है, आज से ठीक है 1 साल पहले इसी जगह पर धरना प्रदर्शन हुआ था तो उस समय की तत्कालीन SDM साहिबा थी M अरुण मौली जी, उन्होंने आकर के हमारा धरना समाप्त करा दिया। साथ ही हमें ये भरोसा दिलाया कि भाई 2-3 महीने में तुम्हारे नाले बनवा देंगे, तो हमने उनकी बात का सम्मान रख करके धरना समाप्त कर दिया। उनके बताए हुए 2-3 महीने के बाद तलक भी काम नहीं लगा तो जब से लेकर के हमने आज तक हमारे साथियों ने और स्वयं मैंने भी 15 बार माननीय हमारे DM साहब को लेटर दिया है, हमने लिख करके सारी रिसीविंग है हमारे साथ में, तहसील दिवस के माध्यम से भी दिए हैं और सीधे जा करके बाई फेस भी दिए हैं DM साहब को, 4 बार कमिश्नर साहब को भी हमने जा करके दिए हैं, मंडल आयुक्त तो अमित कुमार गुप्ता जी को, उसके बाद में सर हमने 8 जगह रजिस्ट्रियाँ की हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हाईकोर्ट के न्यायाधीश, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव R K तिवारी जी, आगरा जिला जज, आगरा कमिश्नर, आगरा DM साहब,
और सबने हमारे लेटरों को रिसीव कर लिया और हमने पक्के स्टेटस भी निकाल लिए। कहीं से कोई अभी तक वो नहीं लगा कि अब कहीं ना कहीं अब हम आपकी परेशानी का हल अब मिल सकता है ये कहीं? नहीं, हल तो ऐसा है कि आश्वासन तो देते रहते हैं। खैर अधिकारी माननीय डीएम साहब ने भी कई बार कहा है कि साहब मिलते रहो, नाले बनवा देंगे, लेकिन कोई समय सीमा नहीं बता पाए वो कब तक बनवा देंगे। और हमारे कमिश्नर साहब ने भी कहा, लगभग सालों पुरानी है सर, कोई बात नहीं है, वो तो सारी प्रशासन के नज़र में समस्या यहाँ की है, ऐसी बात नहीं है। और आज से ठीक एक महीने पहले हमारी जो विधायक जी हैं हेमलता दिवाकर जी यहाँ आई थी मंदिर में जगने रोड पर, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, हमने उनको लिखित में ज्ञापन दिया कि मैडम आप या तो 15 दिन के अंदर हमारी नाले बनवा दो, नहीं तो फिर हम आपके खिलाफ आक्रोश प्रकट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई 15 दिन तो बहुत ज़्यादा है, शायद 10 दिन में ही लग जाए नंबर, या कनागत में लग जाएगा, कनागत में नहीं तो मैं 9 दुर्गों में जरूर तुम्हारे नालों का नंबर लगवा दूंगी। और ये भगवान श्री राम की मैं कसम खा करके कह रही हूँ, मंदिर के अंदर ही उन्होंने ये बात कही थी। तो अब उनकी बात का कह हुआ समय भी भाई निकल गया, 9 दुर्गे निकल गए, वो आए और हमारे धरने को समाप्त करा दें, नालों का काम शुरू करा दें। हमें कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है किसी से, भाई विकास मांग रहे हैं हम, ये तो हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है। इधर हमारे PM CM साहब कहते हैं कि भाई घरों के पास गंदा पानी इकट्ठा मत होने दो, डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ होंगी। तो मैं माननीय PM CM साहब से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि सर जब घरों का गंदा पानी कहीं निकलने के लिए जगह ही नहीं है तो वो तो सर पास ही भरेगा, पास भरेगा तो बीमारियाँ फैलेंगी, आप पर भी वजन पड़ेगा, आपको दवा हमारी करानी पड़ेगी। तो मेरा PM CM साहब से और देश के जितने भी हमारे जो माननीय हैं जहाँ जहाँ लेटर पहुँच चुके हैं सभी से हाथ जोड़े की ये विनती करता हूँ कि भाई हमारे नालों को बनवा दो, हम आपके बहुत बहुत सदा आभारी रहेंगे। क्षेत्रीय समस्या बेहद महत्वपूर्ण होती है, कुछ और लोग भी साथ हैं क्या? मेरा नाम अंजेश गोस्वामी है जी। सबसे पहले मैं आप लोगों को साष्टांग दंडवत करूंगा कि कम से कम सरकार तो बहरी हो गई, जनप्रतिनिधि सब बहरे हो गए, आप लोगों ने हमारी सुध लेने की सोची, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं कि आप लोगों ने हमारी समस्या को जानने की कोशिश की। और ये मैं आशा करता हूँ कि आप समस्या को करीब 4 से 5 गाँव को जोड़ने वाली ये रोड है, उसके बावजूद भी 15 गाँव लगभग बता रहे हैं 15 गाँव को जोड़ने वाली ये रोड आज भी कहीं ना कहीं अपनी मूल समस्याओं से ग्रसित है, कैसे कहना? सर मैं अब कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि आप सब मेरे बड़े बुजुर्गों ने सबको बता दिया। मैं एक ही बात कहूँगा, जिस प्रकार हमारे आचार्य चाणक्य ने धनानंद को जड़ से उखाड़ फेंका था और जब तब तक अपनी सेगा नहीं बांधी थी जब तक उन्होंने उसे धनानंद को उखाड़ नहीं फेंका था, और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भी अपनी सेगा तभी बांधूंगा जब इस रोड का निर्माण हो जाएगा। तो मुखर हो गए हैं कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोग, और कहने का कारण सिर्फ एक कि अब हर हाल में इस नाले को बनवाना है, चाहे किसी भी कीमत में बनवाना पड़े। कुछ माता जी हमारे साथ हैं क्षेत्र की, क्या नाम है? राजकुमारी मेरा नाम है, और मैं 30-35 साल से यहाँ रह रही हूँ, जब से कोई सुनवाई भी नहीं है रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी गिर जाते हैं, कल मैं भी गिर गई तो मेरे भी चोट आ गई, पहले भी मेरी गिर गई तो पहले भी मेरे चोट आ गई, तो किसी ने मुझको नहीं दिलाया, नहीं दवाई दूरी कुछ भी नहीं मेरे को किया कर, तो बताओ किसी समाधान कुछ होगा कि नहीं होगा? लोग अपनी बेसिक समस्या से आज भी जूझ रहे हैं, चाहे वो यहाँ से निकलने के रास्ते की बात हो या लोगों के गिरने की बात हो, लगातार लोगों को परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ रही है। करीब 40,000 वोटर की यहाँ पर आबादी है, और आबादी की अगर स्पेशल बात करें तो करीब 1.5 लाख से ऊपर आबादी, उसके बाद भी कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों में ग्रस्त ये लोग आज भी अपनी बेसिक मूल समस्याओं को पार नहीं पा रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि कहीं ना कहीं आज भी अपनी मूलभूत समस्याओं से ये ग्रसित हैं। देखने वाली बात है ये खबर चलने के बाद और प्रशासन कब तक इस बातों को संज्ञान लेता है। आगरा से द वंदे भारत के लिए राहुल शर्मा। विधायक का भाग्य का फैसला हमारी धनौली करेगी 22 में, 2022 के चुनाव में यहाँ का उम्मीदवार खड़ा होगा धनौली का। 40,000 के मतदाता यहाँ, 40,000 मतदाता विधायक के भाग्य का फैसला करेंगे। अब ये लोग हम लोग निर्णय करें कि 2022 में किसको विधायक बनाना है।